अरे आइए सर, अरे सर क्या कर रही है पहले कहना चाहूंगा पहले खाएंगे शांत रहो माई जी अब भी आइए शुरू अपना शांत रहिए मेरी जो पहली पिक्चर थी थोड़ी ना उसका सेकेंड पार्ट अच्छी बहुत एक्सपेक्टेशन थी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है पसंद आ रहा है पसंद आ रहा है पसंद आ रहा है किस तरह का किरदार है क्या फिल्म की कहानी है पिक्चर में जो किरदार है वो एक बेसिकली मतलब जैसा मेरा एज है 22 का तो ऑब्वियसली 22 साल का जो 22 का एज का लड़का है वो कॉलेज जाएगा या पढ़ाई करेगा या प्यार हो गया तो सेम चीज़ हमने इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है प्यार हो जाता है रात वापस और फिर कैसे वो प्यार हो पाता है आप सिंगल हैं तो कितने गाने इसमें मैं गा देता हूँ बाथरूम वाले बाथरूम थोड़ा थोड़ा गा देता हूँ इस पिक्चर में आप बताइए तो जो आपने गाना गाया वही दो गाने हिट हैं एक दो गाने हिट हैं एक दो गाने बालपन से लेके अब तक जो अब तक चर्चा का विषय बना हुआ गाना वही सुना दीजिए इस पिक्चर का बहुत ही प्यारा गाना है अभी अभी रुचि गा रहे हैं रुचि कैमरा देखिए क्या जब से लड़ चैना कत हुआ पागल हो निकला गे न कुछ तोहरा सिवा रहे सूतल सनेहिया जागल हो एक चौले ला आपका जो एक गाना बड़ा ही ध्यान भी है मिली तो मिली गाने जैसे मिले मोजन धरी टिकोरा अब जैब पाक जौन पाई ढेला चलाई जौन पाई ढेला चलाई लेके हरी के नाम मिली तो मिली ना का माही जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है जितनी खूबसूरती है उतनी खूबसूरती से काम किया है इन्होंने लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इनका काम माही आप ही कुछ बोलिए क्या कर रहे हैं कितना गाने आपके लिए इन्होंने गाए इन्होंने मेरे लिए गाने आई थिंक 4 सेट पे कितने गाने गाए आप तो सारा दिन गा रहे हैं सेट पे तो हां पूरे दिन गाने ही सुनाते रहते हैं मतलब आप तो अगर जैसे कुछ हुआ कि मूड ऑफ है या कुछ तो कर दो उसे हां तो एंटरटेनमेंट तो करते हैं उसका अलग पैसा लगता है कितने पैसे लगते हैं आपके नहीं मेरे तो होते कि देंगे देंगे पांच रुपया जो लगे हां और ये सर आज फिल्म देख रहे हैं क्या कहते हैं हम लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और आपने राधा सनीत को किशन को रिझाने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ा था मैंने तो आई थिंक कुछ किया नहीं इन्होंने किया जो किया क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ तो मुझे पता नहीं रहता है कि ये बहुत बड़े घर से है आपने क्या करते हैं ऑडियंस साथ देखा जो आपने कारनामे किए ऑडियंस क्या कहना चाहते हैं बोलो सबसे पहले तो अच्छा काम आपने ये काम किया कि राम जी के लिए आपने गाना गाया ठीक है राजू सिंह माही के लिए भी कुछ गाना चाहते हो राजू सिंह माही जी मेरे लिए कुछ गा दे तो मुझे बहुत ये बहुत अच्छे सिंगर है बहुत अच्छे सिंगर है आप तो बहुत अच्छे सिंगर है राजू भी आइए आप राजू सिंह माही जी का ना सुनाएंगे डायलॉग सुनाएंगे
इलाका किसी का भी दिमाग का सिर्फ मुझे सीखे। वाह वाह वाह। आपको और गोली जी की जोड़ी कैसे लगे? ये किले और एक किलो तो काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री का पता नहीं। इस बार आपने लीग से हटकर कैरेक्टर किया, एक इमेज आपने तोड़ी है, क्या करना चाहेंगे? बस कुछ नया करने को मिला और नया किया, क्योंकि काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। देखिए जोड़ी में चलती रहा है। आपकी हीरोइन है संगीता तिवारी, तो क्या कहना चाहेंगे कैसे करें? जी हाँ, अभी आई थी पक्की, उन्होंने जरूरी काम भी था तो रिजेक्ट हो निकल गई। बहुत ही अच्छी उनका इस फिल्म में मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा। हमारे संतोष सिंह हैं प्रोड्यूसर साहब, मिलकर मुझे बड़े भाई हैं, वो सब बोलेंगे आप लोग बोलेंगे काफ़ी चेयर कर सकते। बोलिए सर, बोलिए, बूम इधर करो, बूम इधर करो, बोलिए बोलिए, बूम इधर करो, बूम मत करो, रोलिंग रोलिंग किशन संचर के लिए सभी को शुभकामनाएं। और बहुत मेहनत से राजू जी ने रोलों की दी है, अभी देखिए आइए ये मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये किशन राय, ये फिल्म की एक्सपीरियंस हैं और ये गदर टू में काफ़ी अच्छे रोल में आ रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम किशन राय है। इस फिल्म में मैंने कैमियो किया है और मेरी दूसरी फिल्म गदर टू आने वाली है 26 जनवरी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग देखें, बहुत प्यार करें सारे ऑडियंस। थैंक यू, थैंक यू। आप क्या कहना चाहते के साथ आपने? देखिए बहुत मज़ा आता है जब पीछे बैठो और आगे ताली बजती है, और इस पिक्चर के कुछ डायलॉग ऐसे कैची डायलॉग हैं जो काफ़ी दर्शक पसंद कर रहे हैं रणवीर सिंह का, और मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है ऑडियंस के साथ, जैसा कि आप मूवी देख रहे हैं अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर समीर तिवारी जी ने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, जो कि ऑडियंस अंदर बोल रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और प्रोड्यूसर संजय सिंह राजपूत जी हैं, जिन्होंने बहुत ही साफ सुथरे पिक्चर दी है फिल्म इंडस्ट्री को, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हुई कि हमने जो मेहनत की वो कहीं ना कहीं सफल हो गई। जी अनु हम अभी और एक जो थिएटर्स का भी जाने वाले से बात करने वाले हैं पिक्चर के बारे में और अच्छे से बताने वाले हैं। वो पिक्चर तुम सब देख ही रहे हो। मास्टर जी बोलिए चंदन जी, फिर कैसे से आएंगे? बोलिए यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा काम किया हूँ। सबने कितने जब काम किए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डर तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी तरह से फिल्म देखें। सभी दोस्तों से नमस्कार करना चाहता हूँ, तो मेरी जान है राधा से, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे टेक्निकली फिल्म बना सकें। ये हमारे कोरियोग्राफर हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड नए कोरियोग्राफर हैं। मैं चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, दर्शक भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और इनके साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसे डॉलर भी मज़ा आ रहा है, तालियां बज रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऋषभ के बारे में कुछ कहेंगे?
सब दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और फिल्म में सारे लोग हैं अच्छे बोल रहे हैं, अच्छा भी देखने की अच्छा बनी है, सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं। और प्रमोशन अब यहाँ से होते नहीं है, सिनेमा कमी हो जाए लगातार हम सब में प्रमोशन करेंगे, नए भी जाएंगे और अच्छा काम और में फैलते जाएंगे। थैंक यू, वंदे मातरम।